अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, व्यूअर्स मैं ज़ुबैर बेग रियल एस्टेट एडवाइजर से आपके लिए हाजिर खिदमत। व्यूअर्स मैं आपको आज लेके आया हूँ पाकिस्तान टाउन, आपको एक बहुत खूबसूरत घर दिखाना चाहता हूँ, 5 मरले का घर। व्यूअर्स इसमें अभी कुछ रेनोवेशन का काम बाकी है, कॉर्नर हाउस है ये, बहुत खूबसूरत घर बना है ये। आप ये देख सकते हैं ये इसका कारपोर्ट एरिया, इसमें 2 बड़ी गाड़ियाँ बड़ी आराम से खड़ी कर सकते हैं। ये सीढ़ियाँ ऊपर वाले पोर्शन की तरफ जाती है, डबल यूनिट घर है। अगर आप इसको किराए पे भी देना चाहेंगे तो ये आपके लिए कोई मसाइल पैदा नहीं करेगा, क्योंकि इसमें प्राइवेसी आपकी बिल्कुल मुतासर नहीं होगी। व्यूअर्स ये इसका ड्राइंग रूम प्लस टीवी लाउंज कह लें इसको, और ये इसकी मेन एंट्रेंस। व्यूअर्स हम यहाँ अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपको ये इस साइड पर एक ह्यूज किस्म का हॉल मिलता है, इसमें आप ड्राइंग रूम भी इसको बना सकते हैं, साथ साथ इसमें आप अपना टीवी लॉन्च का सिस्टम भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये इसकी मीडिया वॉल यहाँ पे दे दी गई है, और ये दरवाज़ा जो गैराज से एंट्रेंस है। फिर छत की बात करें तो बहुत खूबसूरत सीलिंग, अब इसमें कुछ देर मैंने बताया आपको लाइटिंग का काम बाकी है, सिर्फ लाइटें लगनी रह गई हैं, बाकी तकरीबन सारा कंप्लीट है। इस साइड पर ये ओपन किचन आप देख सकते हैं, ये इसका ओपन किचन आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे स्पेस दी गई है। अगर यहाँ पे आप कोई अलमारी बनाना चाहते हैं तो आप एक ह्यूज किस्म की अलमारी यहाँ पर बना सकते हैं। बस 2 बेडरूम है इस घर में, इधर नीचे ये देख सकते हैं ये इसका 1st बेडरूम, और ये इसका वॉशरूम भी मैं दिखा देता हूँ आपको। वॉशरूम के बर्तन शर्तन सब लग चुके हैं, लेकिन अभी हमने बताया सफाई थोड़ी सी इसमें बाकी है अभी, लेकिन मैं तस्वीर ये आपको इसलिए बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक और वीडियो मेरी मिल सके। फिर ये दरवाज़ा जो इसके बैकयार्ड एरिया में खुलेगा, ये देख सकते हैं पीछे बैकयार्ड एरिया, इसके इस साइड पे भी गली, ये ऐसा घर है जिसके तीनों साइड पर आपको गली मिलेगी, कमर्शियल एरिया बिल्कुल करीब मिलेगा इसके साथ ही, कमर्शियल एरिया, इमाम बारगाह, मस्जिद, स्कूल सब बिल्कुल यहाँ पे करीब मौजूद हैं। ये इसका भी दूसरा कमरा आ जाता है, ये इसकी अलमारी आ जाती है इस साइड पे कपड़ों के लिए, और ये इसका वॉशरूम आ जाता है इधर। कुछ दरवाजे काफी अच्छी क्वालिटी में बनाए गए हैं, एश वुड लगाई गई है। अभी ये सीढ़ियों के नीचे भी जो स्पेस थी उसको भी एज ए स्टोर बना दिया गया, यहाँ पे आप अपनी कुछ स्टोरेज कर सकते हैं। और ये इसका इधर पाउडर रूम एक दे दिया गया, आप देख सकते हैं इसका पाउडर रूम है इधर। अब हम चलेंगे इसके ऊपर वाले पोर्शन की जाने, देखते हैं कि कैसा है। सीढ़ियों से ऊपर बिल्कुल सेपरेट दरवाजा है इसका, गैराज से ही इसके ऊपर सीढ़ियां दे दी गई हैं ताकि आप ऊपर जा सके। इसका टेरेस आ जाता है सबसे पहले इधर, इस टेरेस से ही सारी एंट्रेंस दी गई है। आप देख सकते हैं इस टेरेस पे आप आएंगे तो उसी तरह इधर ये गैलरी आ जाती है छोटी सी, और ये इसकी मेन एंट्रेंस। जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं उसी तरह जैसे नीचे यहाँ पे काफी बड़ा टीवी लॉन प्लस ड्राइंग रूम, इसमें आप ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं साथ साथ, और टीवी लॉन भी इस सेट पे। ये फिर इसका ओपन किचन आ जाता है उसी तरह, आप देख सकते हैं ये ओपन किचन आ जाता है इसका, ओपन स्पेस बहुत सारी। एक बहुत रोशन किस्म का घर, इसकी मीडिया वाला जाती है। इसका बेडरूम देख सकते हैं आप, इसकी बड़ी सी अलमारी इधर आ जाती है, ये
इसका वॉशरूम ले जाके लिए। अब हम चलेंगे दूसरे कमरे की जानिब और फिर उसके बाद हम छत का मायना किएंगे। ये इसका दूसरा कमरा। बाहर आपको स्पेस दी गई, यहाँ पे अपने लॉन्ड्री वगैरह भी आप कर सकते हैं। एक नल शेड लगा दिया गया बाहर भी, इस पर वॉशरूम भी आप देख सकते हैं। अब आप चेक कर इसकी छत का भी लगाते हैं और देखते हैं इसकी छत पे क्या कुछ है। छत पर चढ़ेंगे तो यहाँ आपको स्पेस दे दीजिए काफी सारी, इसमें आप स्टोर भी बना सकते हैं। अगर आपको पार्टीशन वगैरह बंद करके इसको छोटा सा स्टडी रूम भी बना सकते हैं, या फ्रंट से इसको आप बंद करेंगे तो ये छोटा सा स्टडी रूम बन जाएगा। ये इसके बाद हम पहुँचते हैं ऊपर, ये सात वाली साथ ही तकरीबन दो घर सेम एक जैसे बनाए गए थे, थोड़ा सा फर्क डाल के। ये देख सकते हैं आप इसकी छत, इसका वाटर टैंक आ जाता है और इसका पीछे वाला एरिया भी मैं दिखा देता हूँ आपको जरा। ये देखें इस साइड पे ये सारा कमर्शियल एरिया, इस साइड पे नीचे सारा ये सब घर बने हैं। वो मस्जिद का मीनार एक सामने, वो मस्जिद का मीनार और इधर साथ ही इमाम बारगाह है। ये सामने बिल्कुल आपको इमाम बारगाह मिलेगी। रिवर मैंने पहले भी बताया, स्कूल सब कुछ यहाँ पे आपको बहुत करीब मिल जाएंगे। और ये एक्सप्रेस वे से चंद मिनट की ड्राइव पर मौजूद है। व्यूअर्स एक खूबसूरत और अच्छा घर नहायत मुनासिब कीमत में। व्यूअर्स मैं इसी के साथ अपनी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी आराह से हमें आगाह कीजिएगा। शुक्रिया व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।